जम्मू किसान, जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, उनके साथ यहाँ हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप आई है, मैं सबका कठुआ की टीम की तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सारी टीम का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि कठुआ से भेज के मुझे जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती के मौके पर हम उनको याद करते हैं। और सबसे पहली बात जो उन्होंने हमें सिखाई थी कि जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि डरो मत। उन्होंने हमें एक नारा दिया था उस समय जो जुल्म जम्मू यहाँ की जनता के ऊपर, भारत की जनता पे होता था, उस जुल्म को खत्म करने के लिए एक ही नारा था कि डरना नहीं है। वही नारा आज राहुल गांधी जी ने हमें यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। और वही नारा जो है आज हम जम्मू कश्मीर की आवाम को दे रहे हैं। और आज हम कठुआ में और कठुआ की टीम को भी यही कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की जो टीम है यहाँ आज अध्यक्षता में हमारे जनाब मुख्तार सुलमानी साहब की और रमन भल्ला जी के अध्यक्षता में काफी मजबूती से काम कर रही है। उस बयान विभूति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान और एक लीड लेते हुए इस मुल्क को बर्तानिया साम्राज्य के जबर से छुड़ाया और एक लंबी जदोजहद और लंबी लड़ाई के बाद हिंदुस्तान को नॉन वायलेंस से, सत्याग्रह से, अहिंसा से आजादी दिलाई और पूरे विश्व में अपना एक नाम रोशन किया। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आने वाली सदियों में कोई बिलीव नहीं करेगा कि किसी हार्ड मास के पुतले ने बर्तानिया सम्राट, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसको खदेड़ने में लाठी और सत्याग्रह का सहारा लेते हुए इस देश को आजाद कराया। आज हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वकार सूरभानी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन भल्ला जी, पूर्व महासचिव ठाकुर मनमोहन सिंह जी, पवन रैना जी, हमारे चार वीर महाजन जी, साइबर वाली शशि शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी की लीडरशिप और तुम्हारे आए हुए ब्लॉक क्रिकेट साहब आए हुए हैं। मैं आज आपको दो सूचनाएं देना चाहता हूं कि आज तो एक हम आज इस जयंती को मनाने के लिए यहां पे हैं और दूसरा एक दुख समाचार भी है कि हमारे सीनियर साथी और पूर्व में मंत्री रहे भूला राम जी की पत्नी का कल रात को। आप जितने कार्यकर्ता हैं स्टेज पे बैठे हुए सारे लोग, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, दोनों के जन्मदिन पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और महात्मा गांधी जी की जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, वो कंट्रीब्यूशन कोई और नहीं दे सकता। जिस तरीके से उन्होंने एक नॉन वायलेंस पाथ पे चल के अंग्रेजों को इस देश से भगाया, अंग्रेजों को यहां से निकाला, और आज अगर देश हमारा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, आज अगर हमारा मुल्क दुनिया की चौथी बड़ी पावर बन चुका है, वो तब मुमकिन हो पाया है जब हमारे कांग्रेस पार्टी ने और खासकर महात्मा गांधी जी ने यहां से आजादी की लड़ाई लड़के सब हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सबको एक साथ जुड़ के यहां से अंग्रेजों को निकाला और उस देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। और मैं सबसे पहले इस बात का इजहार करता हूं। दूसरा जो हमारा आज मकसद था यहां आने का, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले हमारे मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट JKPCC जनाब रमन भल्ला साहब, हमारे सीनियर साथी XMLC इस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज साहब, इसके बाद हमारे
निर्दोष शर्मा जी मेरे साथ ही रहे कांग्रेस में, तो श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और शास्त्री जी को दिग्विजय ग्रहियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण यहाँ पे करते हैं। बाकी तुलसीदास प्रताप सिंह साहब कहेंगे, लेकिन आज लोग महसूस करते हैं कि एक वो नजर थी जिसने महात्मा गांधी जी के माध्यम से उनको जम्मू कश्मीर से और कश्मीर से खासतौर पर रोशनी की किरण नजर आया करती थी। आज की नजर जिसने जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बदल दिया, आज हम हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही होगी कि हम मिलजुल के संघर्ष यहाँ पे करें ताकि हमें हमारे रियासत का वापस मिल सके। और वही पे लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उस वक्त आज जवान मजबूत यहाँ पे हो, पूरी ताकत यहाँ पे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ज्यादा तफसीलात में ना जाते हुए सत्यपाल मलिक का वो बयान पढ़ ले और सुन ले जो उसने पुलवामा के सिलसिले में फौजियों की शहादत के बारे में कहा, और आज की जो नीति है जिसमें एक साल के अंदर अंदर कितने जवानों की शहादत यहाँ पे हुई, पूछो क्या हाल ही में काजीपुर जैसी चीजें हों, नीति बनाने की जरूरत है। और आप सब लोग मिलजुल के भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, महात्मा गांधी जी का यही सपना था कि हमारा मुल्क मजबूत हो, डिविजन पॉलिटिक्स ना चले, चार पांच से ऊपर उठ के हम मिलजुल के इस कारवा को आगे बढ़ाए ताकि हिंदुस्तान मजबूती की तरफ और बुलंदियों की तरफ यहाँ पे छू पाए। सुना था अभी राजनाथ साहब की बात उठी, अच्छा बोलते हैं, इनका भी सुनना था, यहाँ पे और भी प्रवक्ता साहब पीछे सारे बैठे हैं, बड़ा इनको अंदर से बवाल है बोलना था, लेकिन सबसे मैं माफी मांगता हूँ जो हमारे वरिष्ठ नेता एक्स मिनिस्टर भोलाराम जी की पत्नी का देहांत हुआ, उससे हमें 3 बजे का प्रोग्राम सांबा में था, मीटिंग थी, वो भी कैंसिल करनी पड़ी, और हमको 2 बजे वहां जो अंतिम संस्कार है, क्रिमेशन है, उसका स्पीच है, ये कैंसिल करनी पड़ी। सबसे मैं माफी मांगता हूँ, बहुत जरूरी था आपका सुनना, लेकिन अब प्रोग्राम रखा गया था कुटवा में, जो एरियाज हैं वो सारे दूर दूर से आने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सोचा चलो 1 घंटा ही सही, लेकिन यहाँ पे टाइम दे देंगे। जहां तक मेरे साथियों, आज महात्मा गांधी जी से भी शुरू करूंगा कि अगर इस मुल्क में जिन दिनों हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे, जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी आजकल जब तकरीरें करते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों 70 साल में बताओ कांग्रेस ने क्या किया, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 70 साल नहीं 140 साल बताओ कि 140 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 138 साल होने लगे कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन जब से पड़ा, और उसी कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे महात्मा गांधी जी। जब कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसमें सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब जुड़े, और सबने तलवार उठाई, सबने पूरा